जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है कि देवताओं की पूजा से मुक्ति नहीं मिलती जी हाँ अब देवताओं की पूजा से मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है आज हम इस विषय को चर्चा में रखेंगे यह चर्चा का विषय है अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यह सत्य है कि देवताओं की पूजा से मुक्ति नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती एक और बात समझने की आवश्यकता है कि मुक्ति क्या है और पूजा क्या है और देवता कौन है अगर इन तत्वों का सही सही ज्ञान हो यथार्थ ज्ञान हो तो प्रश्न का उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाए अब मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान जो है वह यथार्थ ज्ञान किसी भी विषय का जो यथार्थ ज्ञान होता है उसी से समस्याओं का समाधान होता है और जो शास्त्र हैं उनका उद्देश्य है किसी भी विषय का यथार्थ ज्ञान प्रदान कराना यथार्थ ज्ञान मतलब कि वास्तविक ज्ञान क्या है लेकिन यथार्थ ज्ञान स्वयं में क्या होता है किसी भी है? यथार्थ ज्ञान को कैसे जाना जाए मात्र यही एक विषय पर कि यथार्थ ज्ञान तक कैसे पहुंचना चाहिए ठीक है मात्र इसी एक विषय पर न्याय दर्शन जो पूरा शास्त्र है न्याय शास्त्र वो मात्र इसी विषय की चर्चा कर बाकी भारतीय दर्शन में आपके ईश्वर आत्मा मोक्ष की चर्चा तो सभी थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन सबके अपने अपने एक ऐसा विषय है जिनका उन्होंने विस्तार किया है एक्सपेंशन किया है तो न्याय ने किस विषय का एक्सपेंशन किया है न्याय शास्त्र ने न्याय दर्शन ने किस विषय का एक्सपेंशन किया है तो वो एक्सपेंशन किया है उन्होंने यथार्थ ज्ञान के विषय में कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो और यथार्थ ज्ञान को हम कैसे समझ सकें इस उद्देश्य को लेकर ही दर्शन काम करता है और उसी से यथार्थ ज्ञान को लेकर तर्क भी होता है वितर्क भी होता है वाद भी होता है विवाद भी होता है छल होता है जाति होती है वितंडा होता है ये सारे तर्कशास्त्र के पदार्थ हैं न्याय दर्शन जो तर्क शास्त्र है उसी के पदार्थों के ये नाम जो मैं जितना भी अभी बोला आपको तो भविष्य में जिन लोगों ने फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन किया है उनको मिलेगा लेकिन भविष्य में दोबारा फिलॉसफी कोर्स जब आएगा तो फिर आप उसे ज्वाइन निश्चय ही कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हम अभी फिलहाल अपने विषय पर कि देवी देवताओं की पूजा से मुक्ति नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती इसका तर्कशास्त्र विद्यमान है न्याय दर्शन वैदिक शास्त्र में जो न्याय दर्शन है वो इस पर चर्चा करता है और किसी भी विषय को तर्क से कैसे समझना है वो रास्ता बतलाता है विषय नहीं बतलाता कि किस विषय पे आप तर्क करेंगे कोई भी विषय हो सकता है लेकिन कैसे करेंगे वो रास्ता बतलाता है तो देवी देवता अगर हम जान जाएं कि देवता क्या है हम जान जाएं कि पूजा क्या है और हम जान जाए कि मुक्ति क्या है अगर इन तीन पदार्थों को इन तीन तत्वों को ये जो तीन चीजें हैं कौन कौन सी देवता है पूजा है और मुक्ति है अगर हम इनको जान जाए तो फिर समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा देवता कौन होते हैं देवताओं को शास्त्र क्या कहता है मीमांसा क्या कहती है देवताओं के बारे में कि यह मंत्र रूप हैं मंत्र रूप होने से यह भाव रूप भी है यह भाव रूप भी है लेकिन देवताओं का कोई और रूप मीमांसा ने नहीं बताया मीमांसा का काम है देवताओं को एक्सप्लेन करना देवता कौन है पूजा पाठ क्या है कर्मकांड क्या है कर्म क्या है कर्म को परिभाषित करना वैदिक कर्मों को समझाना यह मीमांसा शास्त्र का कार्य है वो वैदिक कर्मों के सिद्धांत को ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कर्मकांड को समझाती है बल्कि वैदिक कर्मों के पीछे जो फिलॉसफी काम कर रही है जो विचारधारा काम कर रही है उस विचारधारा को समझाना और वो हमें समझ में आ जाए तो शायद हम पूजा पाठ कर्म कांड बहुत सारे काम भी बहुत ढंग से कर पाएंगे वो समझने की आवश्यकता है तो मीमांसा शास्त्र के अनुसार जो देवी देवता है वो मंत्ररूप है वो भाव रूप है उनका रूप क्या है रूप और भाव रूप यह वैदिक प्रमाणिकता है इस बात की वैदिक प्रमाणिकता है कि वैदिक शास्त्र देवताओं को मंत्र रूप और भाव रूप स्वीकार करते हैं मुख्य रूप रूप से मंत्र रूप ही स्वीकार करते हैं सबसे पहले मंत्र रूप ही स्वीकार करते हैं फिर मंत्र की भावना हो सकती है तो भाव रूप भी स्वीकार करेंगे फिर भाव रूप स्वीकार करने से वो मूर्ति निर्माण को भी स्वीकार करते हैं बाद में चलकर हाँ जी हां हमने देवताओं की जो भावना की है उन भावना से हमने उनकी मूर्ति का निर्माण भी किया है और भावना का आधार क्या है भावना का आधार मंत्र है कौन सा मंत्र है वैदिक मंत्र है समझ में आ रही है बात देवताओं की मूर्ति बनाई गई उसका आधार क्या है उसका आधार आपकी भावना है और भावना का आधार क्या है मंत्र है कौन सा मंत्र है तो वैदिक मंत्र है वेदों में वर्णित जो मंत्र है जो शब्द प्रमाण के रूप में उपलब्ध है उनका मंत्र है ठीक उसके आधार पर यह देवी देवता देवी देवताओं की पूजा और उससे जुड़े सारे कर्म दान पुण्य सारी चीजें आ जाती हैं चलिए अब हम चलते हैं कि देवी देवता कौन है देवी देवता यह संपूर्ण शक्तियां वो संपूर्ण सकारात्मक शक्तियां जो हमें जीवन प्रदान कर रही हैं जो हमें जीवन प्रदान कर रही हैं वो सभी देव हैं वो सभी देवी हैं, ठीक इसीलिए उपनिषदों में भी कई प्रकार के देवी देवता बताए जाते हैं दूसरा कि जो तत्व है पंचभूत पंच महाभूत पंच महा कौन कौन से हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी यह जो पंच महाभूत है इनको भी देव माना गया है क्योंकि यह हमारे जीवन यह हमें जीवन देते हैं वैसी प्रकार जो नवग्रह है इनको भी देवता माना गया है वसुओं को फिर आदित्यों को जो सूर्य के अंश हैं, उन सब को भी देव रूप में माना गया है इसके अलावा माता पिता भी देव हैं। यजुर्वेद के अंदर माता पिता से संबंधित माता पिता की पूजा से संबंधित मंत्र आते हैं यजुर्वेद में तो माता पिता भी देव हैं शिक्षक गण भी देव हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी देवताओं की गिनती मत करो मत करो देवताओं की गिनती अब एक महानुभाव आ गए कि भाई चलो ठीक है इतने सारे देवी देवताओं तैतीस करोड़ तो हो ही जाएंगे अब ये तुक्का लगाने की क्या जरूरत है जबरदस्ती का तेतीस करोड़ वाली बात प्रमाणित पहले तेतीस करोड़ को आप शास्त्रों से प्रमाणित करो हम मानते हैं हमारे गुरु जी मानते हैं हमारे पंडित जी मानते हैं हमारा समाज मानता है उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी चीजें विकृत अवस्था में आ गई हैं इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कल भी हमने महर्षि का उनका जो नमन किया था उनको उन पर विचार किया था इसलिए वो ये बात कर, समझाते हैं कि जब तक आप विचारशीलता के साथ विचार मनन करते हुए विचार करते हुए किसी विषय को नहीं समझेंगे और यह जो विचारशीलता है यह जो मननशीलता है उसी के आधार पर शास्त्र रचनाएं होती हैं ना कि मान्यताओं के आधार पर कि ऐसा है तो ऐसा मानो नहीं इस आधार पर नहीं तो कितना बाल का खाल निकाला है हमारे विद्वानों ने हमारे वैदिक ऋषियों ने यह आप तब पता चलेगा बाल का खाल निकालना समझते हैं आप मतलब कि बाल के कितने टुकड़े वो कर सकते थे उतने टुकड़े उन्होंने ज्ञान के किए हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक उतरने का प्रयास किया सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक उतरने का प्रयास किया है हमारे ऋषि मुनियों ने और उतने स्तर पर उतरने हेतु तो ही शास्त्र रचनाएं हुई हैं ठीक इसलिए नहीं हुई है कि भाई ये बात कही गई है तो ये बात मान लो वो बात कही तो वो बात मान लो जी नहीं इस उद्देश्य से बातें नहीं की गई हैं बहुत तर्कपूर्ण ढंग से बातों को कहा गया है तो हमें यह विचार करना होगा जब हम विषयों को समझेंगे तो मीमांसा शास्त्र यही कहती है कि जो देवी देवता है वो मंत्र रूप है भाव रूप है अब देखिए इस विषय में एक कथा भी आती है एक इतिहास है कथा नहीं हम इसे क्योंकि ये कोई पौराणिक नहीं है यह इतिहास के अंतर्गत एक कथा आती है एक घटना आती है घटना है यह ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे पूजा करते थे अपने पूजा में लीन रहते थे माता की भक्ति में लीन रहते थे माता काली के बहुत बड़े भक्त थे और जब वो माँ 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 कहते थे तीन बार माँ माँ करते तो देवी साक्षात प्रकट हो जाती थी उनकी इच्छा शक्ति उनकी भाव शक्ति बहुत प्रबल थी उनकी इच्छा शक्ति उनकी भाव शक्ति बहुत ही प्रबल थी और वो इस तरह से देवी भी साक्षात उनके सामने प्रकट होती थी अब देवी जब उनके सामने प्रगट होती तो वो देवी से बातें भी करते थे देवी को भोग भी लगाते थे देवी उनका भोग ग्रहण करती थी यह सब इच्छा शक्ति और भाव शक्ति से संभव है जैसे मीराबाई के समक्ष कृष्ण प्रगट होते लेकिन चाहे कहानी मीराबाई की हो चाहे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की हो कथाएं दोनों की एक जैसी हैं घटना एक जैसी है घटना क्या घटती है कि तोतापुरी महाराज पूरी धाम से चलकर दक्षिणेश्वर पहुंचते हैं और दक्षिणेश्वर पहुंचकर कर वहाँ देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति की क्या स्थिति है और इसकी तरंगों ने मुझे खींचा है अपनी ओर ऐसे नहीं पहुंच जाते कुछ ना कुछ खिंचाव था उस उस दिशा में तभी वो वहाँ पर पहुंचते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद रामकृष्ण परमहंस के पहुंचने के बाद उनसे वार्तालाप करते हैं उन्हें वेदांत के विषय में अद्वैत के विषय में शास्त्रों के विषय में बहुत सारा ज्ञान देते हैं बहुत सारी बातें बताते हैं कि तुम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो तुम मोक्ष की ओर आगे बढ़ो तुम विज्ञान की ओर आगे बढ़ो और तुम ब्रह्म की ओर आगे बढ़ो ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ो तभी तुम्हारा मोक्ष संभव है जो भी पूजा पाठ या जो भी तुम अपनी सिद्धि से देवी को प्रकट कर लेते हो या देवी तुमसे मिलती है बात करती है जो कुछ भी ये होता है ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा देवी तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दे सकती ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को ये बात बहुत बुरी लगी पहले तो वो सारी बातें सुनते रहे हाँ मैं हाँ मिलाते रहे लेकिन जब तोतापुरी महाराज ने बोला स्वामी तोतापुरी ने बोला कि तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाएगी देवी तुम्हें तो उनको बुरा लगा उन्होंने कहा कि नहीं मेरी माता मुझे सब कुछ दे सकती सब कुछ वो मोक्ष भी दे सकती है तो फिर तोतापुरी ने कहा कि ठीक है जाओ जाओ तुम अपनी देवी से मांग लो अगर मोक्ष दे सकती है तो दे दे मोक्ष तो गए वो मंदिर में गए बहुत आंखों में आंसू लेकर गए कि भाई कोई मेरी देवी के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है मोक्ष नहीं दे सकती है गए और उन्होंने वहां पर बैठे और उन्होंने पुकारा माता को पुकारा और देवी साक्षात प्रकट हुई ठाकुर ने कहा कि माता मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं आज मांगने आया हूं आज जो है मांगने आया हूं तो मैया ने कहा कि हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको मैं तुम्हें सब दे सकती हूं संसार का सब सुख वैभव चाहिए तो ले लो पूरी पृथ्वी का राज चाहिए तो ले लो संसार का समस्त तुम्हें शक्तियां चाहिए ले लो रिद्धि सिद्धियां चाहिए सब ले लो मिल जाएगा ठाकुर ने कहा कि नहीं माता मुझे ये सब सारी चीजें नहीं चाहिए मुझे तो मोक्ष चाहिए माता ने कहा कि देखो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा तुम्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा और आत्मज्ञान का जो मार्ग है वह जो है तुम्हें कोई ऐसा गुरु कोई संत बताएगा जो स्वयं जानता है वो आत्मज्ञान का मार्ग जो स्वयं उस मार्ग पर चल चुका है चल रहा है वही तुमको बता पाएगा दूसरा कौन बता सकता है मैं तो तुम्हारी भाव शक्ति की ही प्रतिबिंब हूं ऐसा समझो तुम्हारी तीव्र भावना तीव्र इच्छा शक्ति का परिणाम तुम संसार के जितने भी भाव युक्त क्योंकि जो मोक्ष है वह भावातीत है भावनाओं से परे है और मैं भाव युक्त हूं देवी देवता भाव युक्त है देवी देवता मंत्र रूप है भाव रूप है तो उनकी सीमा भावनाओं तक है और मोक्ष और जो मुक्ति की बातें हो रही हैं यह तो भावातीत अवस्था है भावनाओं से परे वृत्तियों से परे चित्त वृत्ति निरोधक महर्षि पतंजलि क्या समझा रहे वृत्तियों से क्या तात्पर्य है वृत्तियों का मतलब विचार नहीं वृत्तियों का मतलब जो वेव्स चलती हैं जो इमोशंस चलती हैं जो फीलिंग्स चलती हैं विचारों का आधार लेकर वो तरंगे वो संस्कार वो वृत्तियां कहलाती हैं तो देवी ने कहा कि यह संपूर्ण जगत भावमयी है और भावातीत तो होने के लिए क्योंकि मोक्ष तो भावातीत है भावनाओं से परे एक परम धाम जहां से आना जाना वापस नहीं होता कुछ तो वो भावातीत अवस्था है भावनाओं से परे भावना तो हमेशा एक बंधन है वृत्ति तो हमेशा ही एक बंधन है ठीक अगर आदमी वृत्ति तक ही अपने आप को सीमित रखेगा और सोचेगा कि मैं किसी देवी देवता या किसी भी रूप में जिसमें वो भावना कर रहा है और उसको आना जाना मान रहा है कि वो किसी के देह पर आ जाएगा चला जाएगा इस तरह से जो मान रहा है वो भावयुक्त है वो मोक्षदायी कभी नहीं हो पाएगा वह तो मोक्षदायी कभी नहीं हो पाएगा तो काली ने माता ने उनका मार्गदर्शन किया कि तुम्हें ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा जो आत्मज्ञान का मार्ग तुम्हें सही सही बता दे और वहीं से यह संभव हो पाएगा और जब मार्ग मिला और माता ने समझाया तो ठाकुर समझ गए और आकर तोतापुरी महाराज के चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाए और तब ठाकुर को आत्मज्ञान का मार्ग मिला तो आत्मज्ञान का मार्ग ब्रह्म ज्ञान का मार्ग वेदांत के अनुसार अद्वैत वेदांत के अनुसार एक ही मार्ग है अद्वैत शास्त्र में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही मार्ग को बताया गया है तो वो उसी मार्ग के अनु अनुगामी बनते हैं उसी मार्ग पर चलते हैं तो देवी देवताओं कि पूजा से मुक्ति नहीं मिलेगी यह बात हमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन भक्तिमयी मीराबाई के जीवनी से भी हमें प्राप्त होता है यह बातें भक्त नामदेव संत नामदेव के जीवन से भी हमें प्राप्त होता है संत नामदेव विठल के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत भक्ति करते थे बहुत मानते थे लेकिन उनको समझ में आया कृष्ण को मानते थे लेकिन कृष्ण ने क्या बताया गीता में क्या समझाया उसकी समझ नहीं हो पाती और जब उसकी समझ नहीं हो पाती तो फिर कई बार इसलिए कृष्ण को मानने का मतलब भगवद गीता को अच्छे से समझना कृष्ण के अनुयायी बनने का अर्थ है उनका भक्त बनने का अर्थ है श्रीमद भगवद गीता को भली भांति समझ कर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना और यही भक्ति का अनुसंधान है आत्मज्ञान का मार्ग तो ये हमें समझना चाहिए तो मोक्ष के लिए तो आत्मज्ञान ही सहयोगी है और आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान का मार्ग जो कि योग है जो कि ध्यान योग है जो कि आत्म संयम योग है ध्यान योग है उस मार्ग से चलकर ही कोई मुक्ति मोक्ष की मुक्ति का अर्थ क्या है चलो देवताओं को तो हमने समझा कि देवताओं भावनाओं में सीमित रहते हैं तो वो आपको भावातीत अवस्था में लेकर नहीं जा पाएंगे देवता जो है हाँ सहयोगी बन सकते हैं एक और प्रश्न है कि क्या देवता सहयोगी भी नहीं बन सकते जी हां बिल्कुल सहयोगी बनते थे जैसे माता काली ने माता काली ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आत्मज्ञान से मिलेगा तुम्हें आत्मज्ञान आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु के शरण में जाना चाहिए वो एक रास्ता तुम्हें दिखाएंगे ध्यान योग का ध्यान योग का मार्ग बताया है श्रुतास्त्रोपनिषद में तो ध्यान योग का रास्ता तुम्हें मिलेगा और उस ध्यान योग से के मार्ग से तुम फिर निश्चय ही अपना कल्याण करोगे मोक्ष को प्राप्त करोगे मुक्ति को प्राप्त करोगे क्यों अब हम समझें कि मुक्ति क्या है मुक्ति का सीधा सा अर्थ है फ्रीडम अगर अंग्रेजी में बोलो तो लिबर्टी भाई बंधन से मुक्त हो जाओ जो बंधन है उसे निकाल के फेंको जितने भी बंधन है बंधन क्या है संसार में अनेकों कामनाओं की पूर्ति करने की जो इच्छा है जो इंद्रिय जनित कामनाएं हैं देह जनित कामनाएं हैं और इंद्रिय जनित जितने भी कामनाएं हैं उनको जो पूर्ण करने की जो इच्छा है वही तो बंधन है और संसार का इंद्रिय जनित ज्ञान ही बंधन है क्योंकि कामनाओं का अनुभव वासनाओं का अनुभव इंद्रियों से होता है और वासनाओं की अनुभूति से कामनाएं और बढ़ जाती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति का बार बार प्रयास किया जाता है बार बार कोशिश की जाती है कि कामनाएं पूरी हो जाए हमारी थीक? तो यह जो सारा चीज है कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए यह बंधन है यद्यपि कामनाओं का एक सीमा तक पूर्ण होना सहायक भी होता है मोक्ष में क्योंकि एक सीमा तक अगर वह पूर्ण ना हो तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि यह कभी पूर्ण नहीं होगी समझ नहीं पाता है जैसे राजा याति या भरतरी हरि के जीवन की घटना आती है कि वो जो है कामना पूर्ति में लगते हैं अपने हर भोग को भोगने में लगते हैं लेकिन अंत में योगी बन जाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये संसार ये परिवर्तनशील संसार बस ऐसे ही है मृग मरीचिका के समान है जितना सुख उसमें दिखाई देता है उतना सुख इसमें है नहीं जितना सुख इसमें दिखाई देता है उतना सुख इसमें है नहीं यह बात समझ में आ जाती है रटकर नहीं जीवन अनुभव से समझ में आती है और जब समझ में आ जाती है तो फिर वह अपने आप ही योग मार्गी बन जाता है अपने आप ही इशारे जंजाल से निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है तो मुक्ति तो इन सारी चीजों से निकलना है कहते हैं ना कि जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना जो मिल गया सो मिट्टी है और जो जो मतलब कि अगर हमारे पास गाड़ी बंगला सब आ जाए तो मिट्टी हो जाएगी अब ध्यान किस पर जाएगा जो चीज नहीं मिला है अब वो मिलना चाहिए और यही मृग तृष्णा में जीवन व्यतीत होता है और यही बंधन का कारण है अब इस बंधन से निकलना मुक्ति है बंधन को खत्म करना मुक्ति है तो अब जो देवता हैं, वो तो मंत्र रूप है जो देवता हैं, वह तो भाव रूप है वो इसलिए नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त करें देवताओं का की पूजा संसारिक उपलब्धियों के लिए होती है अब उसमें उपलब्धियां दो प्रकार की हो सकती हैं एक संतुलित और एक असंतुलित संतुलन के लिए भी होती हैं देवताओं की जो पूजा है वह संतुलन के लिए भी होती हैं ठीक लेकिन अगर आदमी ज्यादा लोभी हो जाए लालची हो जाए और ज्यादा कुछ करने लगे प्राप्त करने की तो असंतुलन भी आ जाएगा और आपके जीवन में दुख भी आ जाएगा तो देवताओं की पूजा किस लिए है ताकि हम सकारात्मकता को बना सके सही मायने मायनों में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं लॉ ऑफ एट्रैक्शन लॉ ऑफ एट्रैक्शन कि आप प्रकृति में चीजों को आकर्षित करो यह पूजा वही चीज है जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो पूरे विधान से पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी जी की मूर्ति को या उनके स्वरूप को स्थापित करते हो उनकी पूजा करते हो दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश दोनों की पूजा करते हो या कहीं कहीं पर शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी जी की पूजा होती है आसाम के क्षेत्र में अगर आप जाएं तो शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है तो लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं तो आप किस भाव से करते हैं धन भाव से करते हैं धन वृद्धि के भाव से करते हैं माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उस भाव की वृद्धि करते हैं आप ना भी करें तो भी मंत्रों के उच्चारण से उस भाव की वृद्धि होती है जिसको हम धन भाव कहते हैं जिसको हम लक्ष्मी भाव कहते हैं तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है अगर कोई सही श्रद्धा से संपूर्ण भावना से पूरी भावना के साथ भावनाओं की एकाग्रता वहाँ होनी चाहिए और श्रद्धा से अगर देवी की पूजन करे और सही तरीके से कर ले तो निश्चय ही श्रद्धा भावना ही सही तरीका है वास्तव में बाकी तरीके सेकेंडरी हैं सबसे पहला प्रायोरिटी किस बात की है आपके अंदर श्रद्धा देवी देवी देवताओं के प्रति हो तो अगर वो पूजन कर ले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वहाँ पर और आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाता है इसी प्रकार से कई बार ग्रह शांति के लिए भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं मंगल शांति के लिए हनुमान जी की कर लेते हैं रुद्र की कर लेते हैं मंगल शांति के लिए इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों की उस समय भी आता है तो ये सारा क्या है हम एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को क्योंकि हमारा जीवन इन तत्वों से चल रहा है हमारा जीवन इन भावनाओं से चल रहा है जब हम बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो विद्या भाव की हम वृद्धि करते हैं बसंत पंचमी चारों तरफ फूल खिलने शुरू हो जाते हैं नए पत्ते आने शुरू होते हैं बसंत ऋतु में का माहौल कुछ अलग बनता है मार्च से लेकर अप्रैल तक जो ऋतु चलती है बसंत ऋतु तो नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं पीली सरसों से खेतों खेत भर जाते हैं खास करके उत्तर भारतीय और सभी राज्यों में भारत के जहां भी, भी सरसों की खेती होती है वहां पर पीली सरसों से खेत भर जाते हैं पूरे देश भर में ऐसा देखने को मिलता है हम तो ज्ञान की देवी विद्या की देवी हम सरस्वती की पूजा करते हैं कि हमें विद्या दे हमें ज्ञान दे हमें बुद्धि दे हमें टैलेंट दे स्किल्स दे गॉडेस ऑफ स्किल्स बोलते हैं ठीक है बुद्धि के देवता तो ऐसे गणेश जी कहे जाते हैं विवेक बुद्धि के देवता गणेश जी कहे जाते लेकिन स्किल्स लर्निंग और जो टेक्नोलॉजी है विद्या है इन सब की जो देवी है माता सरस्वती की हम पूजा करते हैं तो उसके भाव की वृद्धि करते हैं और सरस्वती पूजा को हमारे कुछ महापुरुषों ने आज़ादी के समय में उन लोगों ने काफी इसको फेमस करने की कोशिश की थी ताकि लोग एजुकेशन के प्रति शिक्षा के प्रति जागरूक हों लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सही अर्थ पूजा का समझ में नहीं आता औपचारिकता बस रहती है औपचारिकता बस रहने के कारण कोई लाभ उसका हमारे समाज को नहीं हो पाता है और वहां आडंबर शुरू हो जाता है पता चला कि सरस्वती पूजा का पंडाल लगा है फिल्मी गाने चल रहे हैं ठीक है गणेश पूजा का गणेश जी का विसर्जन होने के लिए जा रही है और जो बहुत सारा भीड़ है वो दारू शराब पीकर डांस कर रहा है अरे विवेक बुद्धि के देवता है विवेक का ही नाश कर दे रहे हैं लोग तो सनातन धर्म में यह सबसे बड़े सुधार की आवश्यकता है कि आप सही ढंग से जो भी करना है सही ढंग से करो इस सही ढंग से करने का मतलब यह नहीं कि खूब खर्चा करके करो खूब कुछ लोग कहते कि धन नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा ऐसा नहीं है आपने शास्त्र अध्ययन इसका मतलब सही से नहीं किया है ठीक शिव महापुराण में एक कथा आती है एक शिकारी था व्याध था वो क्या करता था अब वो शिव उसके मन में था कि मैं शिव की उसे किसी ऋषि मुनि से किसी आ, से पता चला कि उसे शिव की पूजा करनी चाहिए और मन ही मन वो और शिव का ध्यान करने लगा घर में ही शिवलिंग की स्थापना उसने कर ली और पूजा भी वो करने लगा लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जल्दी में वो सुबह उठ नहीं पाया कुछ ऐसी समस्या उसके सामने आ गई कि वो पूजा नहीं कर पाया और उसको पता चला कि गांव के बाहर जो जंगल है उसमें एक बाघ जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और मैं व्याध हूँ मैं तो वैसे भी जंगली जानवरों को मारता हूँ उनके चरम का प्रयोग भी करता हूँ तो अब जो है वो चला गया जंगल के अंदर जंगल के अंदर चला गया पानी साथ में ले लिया शिव जी की पूजा उससे हुई नहीं और पेड़ पर पे चढ़ गया ढूंढने के लेके बाघ बाघ आएगा तो उसे धनुष बाण से मारूंगा अब क्या हुआ कि बाघ आया या कुछ हुआ कोई घटना घटी उसका ध्यान तो बाघ पर था लेकिन तभी उसका जो पानी का पात्र था वो टेढ़ा हो गया और टेढ़ा हो गया और वो गिर गया और जब नीचे जब पानी गिरा तो पेड़ के नीचे क्या देखता है एक लंबा सा पत्थर है वहां पर यद्यपि वहां कोई पूजा नहीं करता था वो कोई शिवलिंग के रूप में मान्य भी नहीं था लेकिन वो पत्थर वो पानी वहां पर गिरा और पानी गिरने के कारण उसने जब पत्थर को देखा तो उसके दोनों हाथ जुड़ गए पूजा हो गई अगर आप वास्तव में पूजा करना चाहते हैं तो बहाने मत बनाइए कि आपके पास धन है कि नहीं है आप करना चाहते हैं आपके अंदर श्रद्धा है भावना है आप करिए जो धन है हाँ अगर आपके पास धन भी है फिर भी आप कंजूस बन रहे हैं तो उसे गलत माना जाएगा कि भाई तुम खर्च कर सकते थे फिर भी तुमने नहीं किया मामूली जो खर्च होना चाहिए था हवन में यज्ञ में या अनुष्ठान में तुमने वो भी नहीं किया जानबूझकर, तो वो एक दोष बनता है लेकिन जो व्यक्ति धनहीन है धन नहीं है वो पूजा करना चाहता कर सकता है ठीक है तो पूजा भाव जगत का खेल है संसार का यह खेल है और पूजा इसलिए की जाती है कि हम संसार में जो आवश्यक चीजें हैं जो सतोगुण है हमारे अंदर सतोगुण का विकास हो तो पूजा सहायक जरूर है अध्यात्म के मार्ग पर एक सहयोगी रूप में है सहयोगी रूप में क्योंकि इसमें आपके सतोगुण की वृद्धि हो जाती है पूजा करने से दूसरी बात कि आप संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूजा में देवी लक्ष्मी से धन मांगना कोई बुरी बात नहीं मंत्रों से सही भावना से आप सही मन से प्रार्थना करें सही भाव से करें तो वो चीजें फिर होती भी हैं लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए अब यहीं पर देखिए मीमांसा शास्त्र देवताओं के बारे में कौन बताता है मीमांसा शास्त्र बताती है अब मीमांसा शास्त्र यहां पर एक बात और कह देती है जो उसका मूल सिद्धांत है और मूल सिद्धांत क्या है कि कर्म का फल तो तुमको भोगना ही है बच के कहां पर ना तो तुम्हें तुम्हें कोई देवी देवता बचा सकता है ना तुम्हें कोई गुरु बचा सकता है ना तुम्हें कोई ईश्वर बचा सकता है कोई तुम्हारे कर्म फल से रक्षा नहीं कर सकता यह वैदिक शास्त्र पूर्व मीमांसा का प्रमाण है वो इस बात को कहते हैं बस एक कर्म वो बताते हैं कि अगर तुमसे कुछ गलत हो गया है तो उसका प्रायश्चित करो प्रायश्चित करने से उन कर्मों का उन बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा वो ये भी नहीं कहते कम हो जाएगा थोड़ा कुंठित हो जाएगा धार जो है कर्म के तलवार की धार उसकी कुंठित पड़ जाएगी बस इतना ही फायदा मिलेगा लेकिन आएगा जीवन में फल तो आएगा बस आप उससे परेशान नहीं होंगे आप उससे बहुत दुखी नहीं होंगे यह हो सकता है तो इसलिए प्रैश्चित कर लो तो देवी देवताओं की पूजा करने का अर्थ यह नहीं है अर्थ यह नहीं है कि कर्म का फल आपको ना मिले कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा यह मीमांसा शास्त्र इस बात को मानती है ठीक है लेकिन फिर क्या जब कर्मों का फल भोगना ये तो पूजा क्यों करें अरे भाई पूजा भी तो कर्म है अब एक प्रश्न यहां बढ़ता बनता है कि जब कर्मों का फल हमें भोगना ही है तो हम पूजा ही क्यों करें हम साधना ही क्यों करें यह भी प्रश्न बन जाता है जी हां कर्मों का फल तो भोगना ही है लेकिन जो पूजा कर रहे हो पूजा करते हुए देवी के नाम पर जो भी दान कर रहे हो भोग करा रहे हो हमारी हर पूजा के साथ दान जुड़ा होता है कि भाई आपने पूजा किया है यज्ञ किया है आप दान करो पशु पक्षियों का भी दान करो समाज को भी आप दान दे, दे सकते हो गरीबों को खिलाओ ब्राह्मण को भी दो लेकिन यह मत सोचिएगा कि मात्र ब्राह्मण को दान करने के लिए कहा गया कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं नहीं ऐसा नहीं है आप हर में दान करो विद्या का भी दान एक दान होता है ठीक तो सरस्वती पूजा के दिन विद्या का दान होना चाहिए जो लोग विद्या जिनके पास विद्या धन है जिनके पास नहीं है बेचारे वो कहां से कई बार लोग विद्या के भी गरीब होते हैं उनके पास विद्या नहीं होता स्किल्स नहीं होती बेचारों के पास ठीक और गलती से कई बार धन मिल जाता है ऐसा भी हो जाता है बहुत कम लोग होते हैं लेकिन ऐसे लोग कई बार मिल हो जाते हैं कि विद्या नहीं है और धन भी है लेकिन वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती बहुत खराब स्थिति मानी जाती तो क्योंकि असली धनवान होना बिना विद्या के संभव नहीं है क्योंकि विद्या नहीं है तो धन का सही सही प्रयोग कैसे करोगे किसी के पास मान लो खूब पैसा आ गया और वो बैंक का मैनेजमेंट नहीं समझता वे बैंक अगर बैंकिंग जानते हैं आप तो बैंकिंग भी एक विद्या है कि आपको पैसे कैसे संभालना है कैसे इन्वेस्ट करना है कहां इन्वेस्ट करना है कैसे लगाना है कैसे सेविंग करनी है आपको कुछ पता ही नहीं है पैसा आपके पास खूब आ गया कहां रखोगे बोरे में रखोगे बिस्तर में रखोगे क्या करोगे उसका, ठीक है तो मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास नहीं तो ये जो स्किल्स हैं इनकी देवी है सरस्वती तो ये सब जो चीजें हैं हमारे लाइफ में जरूरी हैं हमारे जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए अब जीवन में संतुलन होगा तभी तो हम मोक्ष मार्ग पर सही से चलेंगे जीवन में संतुलन होगा तभी हम मोक्ष मार्ग पर सही से चलेंगे ये चीज आ जाती है तो यह पूजा करना भी कर्म है जब आपने देवी की पूजा की अनुष्ठान किया दान पुण्य किया बहुत सारे पूजा अभी आने वाले हैं मकर संक्रांति आने वाली है दान पुण्य खूब होता है मकर संक्रांति में बसंत पंचमी और बहुत सारे हमारे ये त्यौहार ये धर्म ही सनातन धर्म ही ऐसा है कि जो भरा हुआ है साल भर का हम लोग का पूरा व्यस्तता होती है एक आदमी के पास कोई काम ना हो तो उसके पास सिर्फ वो सारे त्यौहार ही सेलिब्रेट करता रहे तो वो बहुत बड़ा काम हो जाता है उसके लिए ठीक है तो कोई महीना खाली नहीं जाता व्रत त्यौहारों से और पूजा से साधना से कोई ना कोई हमें हमारे महापुरुषों ने हमें जीवन शैली दी है फुल टाइम एंगेजमेंट दिया है कि भैया तुम लगे रहो समझो पहले लगे रहो बस ये कि बीच में शिक्षा की इतनी कमी हो गई इतनी भारी कमी हो गई और गुलामी और इस इस तरह का भी माहौल बन गया जिससे कि और भ्रमित होने लगे लोग अपने ज्ञान से दूर चले गए अपने शास्त्र ज्ञान से दूर चले तो इस ढंग से संसार के उद्देश्य हेतु आप पूजा भी कर रहे हैं तो वो भी कर्म है और उसका भी फल आएगा यदि आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर कर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर सही श्रद्धा से प्रार्थना कर कर कुछ दान पुण्य किया है और रेगुलर करते हैं तो उसका भी फल तो आएगा ना वो भी तो कर्म हो रहा है कहीं ना कहीं का भी फल जीवन में आएगा और वो आकर्षण भी काम करेगा आकर्षण का सिद्धांत भी काम करेगा कहीं ना कहीं कि आप धन को अपने विचारों से मंत्रों से आकर्षित कर रहे हैं तो संसार के लिए पूजा है मोक्ष के लिए पूजा नहीं होती लेकिन पूजा करनी नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है हम लोग जो है अब इसीलिए दार्श मैं चाहूंगा कि फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन करिए आप लोग न्याय दर्शन इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करती है कि भाई तुम कुछ भी तर्क नहीं दे सकते कुछ भी नहीं बोल दोगे कई बार तर्क सुनने में बहुत सुंदर लगता है ना एक बगुला जो है एक मछली को चोच में पकड़कर उड़ रहा था तर्क देने वाले ने कहा कि देखो डूबते हुए मछली को उसने बचा लिया सुनने में कितना सुंदर है अभी कोई महानुभाव कोई नेताजी कुछ दिनों पहले टीवी में न्यूज में आ रहा था कि नेताजी ने कहा कि गीता में भी जिहाद लिखा हुआ है और लॉजिकली प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई भगवान ने अर्जुन को कहा था युद्ध कर युद्ध कर और वहां भी कुरान में इस तरह से कहा जाता है युद्ध कर तो जिहाद तो हो गया ठीक है उनको पता है कि ज्यादातर लोग गीता का अध्ययन नहीं करते हैं इनको मूर्ख बनाना आसान है लेकिन हमें चाहिए कि हम इस बात को गलत प्रमाणित कर हम श्रीमद भगवद गीता का एक एक श्लोक पर चिंतन मनन करके समझ लें क्या अर्जुन के द्वारा किया गया युद्ध जिहाद था किसके विरुद्ध जिहाद था भाई बता दो जरा तो ये तर्क सुनने में कितना लॉजिकल लग रहा है तो ये नेता लोग डायलॉग मारते हैं और इनके जो चेले हैं इनके जो चमचे हैं इनके जो फंडेड मीडिया है जो नेता जिसको फंड करते हैं मीडिया को वो मीडिया वाला खूब प्रचार करते हैं आजकल वायरल होना पैसों का खेल है ठीक है तो लोग बहुत तरह से प्रचार करने की कोशिश करते बहुत तरह के चीजों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं नेता खड़े किए जाते हैं कई तरह के चाल चालों को चलकर तो ये सारी चीजें हैं आप इस माहौल को अगर हम समझें तो हम इनके बेकार के तर्कों में नहीं आएंगे वाहियात तर्कों से हम बच पाएंगे लेकिन कहां तक हम कर पाएंगे मैं प्रयास कर रहा हूँ YouTube के ऊपर प्रयास कर रहा हूँ कुछ लोग आप लोग Call, लोग लगभग लाइव में आ जाते हैं टोटल ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस पर तीन हजार चार हजार तक व्यूज चली जाती है उसके बाद व्यूज नहीं आती है कम हो जाती है तो क्या इससे क्रांति आ जाएगा क्या हमें इस क्षेत्र में और काम नहीं करना है लोगों को जागरूक नहीं करना है क्या गांव गांव के तक लोगों तक पहुंचने के लिए हमें कोशिश नहीं करना है लेकिन कोशिश हम करें इस बात को हम समझे और व्यक्ति की अपनी अपनी ठीक है हम मान सकते हैं कि हम 100 परसेंट लोगों को शायद ना समझा पाए शायद ना जागरूक कर पाए ना जागृत कर पाए लेकिन अगर 75 प्रतिशत तो हो जाए कम से कम लेकिन 75 प्रतिशत का लक्ष्य तब पूरा होगा जब 100 परसेंट का लक्ष्य लेकर कोई चले ठीक है तो इसीलिए हमें समझना है और समझाना है ये बेकार के लॉजिक के उसमें इन नेताओं के जो जुमले हैं और जो ये सब हैं तो उसके में उसमें हमें फंसना नहीं है उसमें हमें घुसना नहीं है उसमें हमें बचना है हमको यह सब हमें ध्यान में रखना है तभी जाकर हमें सही सही समाधान मिलेगा तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए संभव करनी चाहिए वैसे शास्त्रों में एक और मत आता है कि जो योगी है सूर्य प्राप्त योगी है ज्ञानी है आत्मज्ञानी है या योगी है ऐसी अवस्था में जो है वो पूजन ना भी करे तो चलेगा उसके लिए या सन्यासी के लिए भी कहा गया जो सन्यासी हो गया है कौन सा सन्यासी वो ऐसा सन्यासी नहीं जो बस हो जाते हैं आजकल वैसे की बात नहीं कर रहे हैं किसी आश्रम में जाकर बैठ गए चोला पहन के बैठ गए नहीं दाढ़ी बाल बढ़ाकर बैठ गए वैसे सन्यास की बात नहीं कर रही जो वाकई में अपने अनुभव से जीवन अनुभव से सन्यासी हो गया जिसे अब संसार में कोई आस नहीं रहा है उसका जीवन का अनुभव है कि अब मतलब नहीं है प्रकृति है अपना चल रही है चलेगी ठीक है जो अच्छा होना है होगा जो बुरा होना है होगा और वो अपनी साधना में मस्त तो ऐसा सन्यासी उसके लिए अनिवार्य नहीं रह जाता क्योंकि उसको अब संसार की वृद्धि नहीं करनी है देवी देवताओं की पूजा का उद्देश्य भाव वृद्धि है संसार वृद्धि है भाव सागर की वृद्धि है ठीक है संसार में संतुलन हेतु और इन सब चीजें हमें अपना कर्म भी करना चाहिए और संपूर्ण अब देखो कर्म प्रधान है मीमांसा वेद भी कर्म प्रधान सिद्धांत को देते हैं तो कर्म करना तो प्राथमिकता बन जाती है आप कर्म भी करिए और पूजा भी करिए ये मत सोचिए कि हम कर्म नहीं करेंगे और पूजा कर लेंगे नहीं जब दोनों मिलेगा तो बहुत बहुत लाभ उसका होता है बहुत अधिक लाभ उसका होता है जब कर्म भी आपका हो मेहनत भी आपकी हो और साथ में पूजा भी हो तो यह देवी देवताओं की पूजा का रहस्य है उनका ये उद्देश्य है संसार में आप रहते हैं तो आपको करना चाहिए अन्यथा यह मोक्ष का मार्ग नहीं यह भगवान कृष्ण श्रीमद भगवद गीता आएगी चर्चा शुरू होगी उसमें भी हम इन बातों को चर्चा करेंगे उसमें भी हम इन बातों को लेंगे तो मोक्ष का मार्ग आत्मज्ञान है मुक्ति का मार्ग वही योग है अष्टांग योग है जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं अष्टांग योग मुक्ति का मार्ग है ठीक है ज्ञान का मार्ग है आत्मज्ञान का मार्ग है उस पर हमें चलना चाहिए उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा गलत है या सही है गलत सही वाली यहां पर कोई बात नहीं है उसका अपना स्थान है उसका अपना स्थान है ठीक और साधना का अपना अपना स्थान है कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए है हाँ पूजा पाठ मोक्ष प्राप्ति उससे सिद्ध नहीं होता लेकिन मोक्ष मार्ग में वो थोड़े सहायक हमारे जरूर बनते हैं इसमें भी कोई संशय नहीं है कोई शक नहीं है जरूर सहायक बनते हैं मोक्ष मार्ग में ठीक तो हमें यह समझना है देवी देवताओं के विषय में और ये भाव रूप में है भावनाओं में इनका वास है मंत्रों में देवी देवताओं का वास माना गया है तो हम इसको इस तरह से समझकर आगे बढ़े तो बेहतर हो चलिए यह विषय हम यहाँ तक चर्चा हमने की आगे देखते हैं रवज्योति नाथ जी राजू पाल जी राहुल तिवारी जी अभी देखिए एक और विषय की ध्यान योग का जो कोर्स है कल से शुरू हो जाएगा ध्यान योग का कोर्स तेईस नवंबर से जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए कल से शुरू हो जाएगा जिन महानुभावों ने ज्वाइन नहीं किया है कृपया ज्वाइन कर लें कृपया ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करके जो है इसका लाभ उठाएं कई लोग जिन्होंने मैसेज किया है डिटेल लिया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया उनसे कह रहे हैं कि अपने डिटेल आपको मिल गया है तो ज्वाइन कर लें और अगर डिटेल नहीं मिला है तो आप संपर्क कर सकते हैं अभी भी आपके पास समय है ज्वाइन करने का आप डिटेल मांग सकते हैं कि हमें ध्यान योग का डिटेल दीजिए हमें ज्वाइन करना है ठीक है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं नाइन नाइन और डिटेल ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं राहुल तिवारी जी बहुत अभिनंदन है राजू पाल बबिता धीमान जी राम लखन राजपूत सविता नायक पवन कुमार गुप्ता जी बहुत अभिनंदन व जी से योग साधना ट्रेनिंग ली मेरी साधना रूपी पौधे के अंकुर आना शुरू हो रहा है नवीन श्रोताओं से निवेदन है योग साधना ट्रेनिंग प्राप्त करें ठीक है सतीश कुमार जी शंकर प्रसाद जी नरसा राम जी जगत नारायण जी परम शंकर प्रसाद जी प्रेइंग टू देवी देवता माइट नॉट गिव अस मुक्ति बट विल इट नॉट डू अंतकरण शुद्धि विच इज रिक्वायर्ड फॉर मुक्ति हाँ सात्विकता लाती है सात्विकता बढ़ा देती है ठीक है सात्विक सतो गुण को हमारे अंदर बढ़ा देगा तो एक शुद्धि ले आएगा हमारे अंदर तो इसीलिए ये सहायक है सहयोगी है गोविंद प्रसाद नीमा अमन कक्कर इसलिए रेगुलर नियम से कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए कोई बुराई नहीं है इसमें रूपलाल विश्वकर्मा पांडुरंग वराले श्वेता राय सिन्हा जी योगेंद्र पंडित संतोष कुमार जी सभी का बहुत विष्णु विष्णुचंद्र मौर्या शिवदास वर्मा दया रानी जी गुड़िया त्यागी अफंता प्रोडक्शन रामविलास जी लाल यादव चितरंजन बरुआ कमलेश कन्हैया कुमार नूतन भट्ट ज्योति कश्यप सर क्या बुद्ध ने केवल या आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो गया था क्योंकि वह आत्मा इसके लिए समझने के लिए मैं आपसे भी कहूंगा कि आप फिलॉसफी कोर्स जो चलता है वो ज्वाइन कर ले बौद्ध दर्शन में का वहां पर व्याख्या होगी और बौद्ध दर्शन की व्याख्या वहां पर चलेगी आप उसको ज्वाइन करेंगे आगे जब भी फिलॉसफी कोर्स अभी नहीं ज्वाइनिंग लिया जाएगा आपका होगा तो आप ज्वाइन करें इन सभी विषयों का स्पष्टीकरण हो जाएगा क्योंकि ये दो शब्दों का विषय नहीं है हीराराम गहलोत तो अभी अंत में हम उन्हीं प्रश्न को लेंगे जिनका कम समय में उत्तर दिया जा सके जितेंद्र साहू केवल सांसों पर ध्यान देने से जी नहीं उसके आगे पहुंचना होता है लेकिन वो प्रारंभ है अब क्या सासों पर ध्यान देना वो देना जब तो तक तो पूरी विधि सही से ना पता हो तो इस विषय में इसके लिए ध्यान योग ज्वाइन कीजिए अगर सही से इस क्रिया को समझना है नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बस इतना ही समझते हैं कि केवल सांसों पर ध्यान देने से हो जाता है जी नहीं आगे बहुत कुछ है ध्यान योग में बताया गया ध्यान योग कोर्स में बराव पाटिल भीखू कुचाड़िया जी सरोज कृष्णानी शिवराम कृष्णा लखेंद्र राम रतन सिंह मानवेंद्र सिंह धनराज सिंह राजपूत विमला शाह जश प्रोरामिंग गंभीर शाह आशा रानी अवधेश कुमार रूप रूपेश सिंह राजपूत दिनेश भाई डाबी, अनिमेश महतो संतोष गुप्ता मिस्टर एस आर आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहता हूँ मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया ठीक है अगर नहीं रिप्लाई मिला है तो आपको आ जाएगा रिप्लाई अगर नहीं देर हुआ है तो आप दोबारा एक बार मैसेज कर दीजिए भाई आ जाएगा ठीक है विशांत जी राकेश चंद्र शर्मा बंधनों से मुक्त होने वाले को देवी देवताओं की पूजा कर पिता सावंत जो मोक्ष प्राप्त कर गया है उसको बंधन से मुक्त जो मुक्ति को प्राप्त कर गया है उसके लिए कोई यह विषय ही नहीं बन जाता कि वो देवी देवता की पूजा करे जय शाह सीताराम माली घनश्याम सरोदे गणेश पवार धन्यवाद भारत बानवीर गिरवार जी बहुत अभिनंदन इसलिए इस पर कुछ टिप्पणी देवताओं से जो मिलता है बिल्कुल देवसाओं से जो मिलता है क्षणिक है सही बात है ये कृष्ण कहते हैं लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम यज्ञ पूजा ये करो इसके लिए मना भी नहीं करते हाँ लेकिन इसको करने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हें परमधाम की प्राप्ति नहीं हो ठीक है यह भी कहते हैं साथ में यही तो समझना है क्षणिक ही होगा क्योंकि वो भावनात्मक जगत में है वो सांसारिक जगत में है तो वो क्षणिक होगा मुक्ति और मोक्ष एक ही बात है ठीक है शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ एक ही है ठीक है जो इसका निरुक्त है वो एक ही है लेकिन फिर भी लोग जीवन मुक्त की बात करते हैं जीवन मुक्त मतलब कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होना लेकिन अभी भी संकल्प कुछ रहता है जिसके कारण सूक्ष्म रूप से योगी वास करता है और फिर बाद में पूर्णता कैवल्य को प्राप्त करता है ऐसा भी वर्णन मिलता है देवी देवता की पूजा निष्काम भाव से करें बिल्कुल ये भी सही बात है मीमांसा यही कहती है कि सारे जो ये कर्म हैं आप निष्काम भाव से करते रहिए मुक्त तो हो गया बस शब्द का ही अंतर है कोई विशेष अंतर इसमें नहीं हाँ मुक्त हम साधारण चीजों में भी कर देते हैं कोई बीमारी है कोई जेल में है हम उसके लिए और मोक्ष शब्द हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं आपको भावबंधन से मुक्ति जो होती है संसार के बंधन से उसके लिए कहा जाता है ठीक चलिए बताएं इसके बारे में किसके बारे में भाई क्या पूछा है आपने तो है नहीं प्रश्न करेंगे तब तो बताया जाएगा मैं ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मेरी माता और नानी नहीं मन मान रही माता नानी नहीं मान रही है तो अभी मत ज्वाइन कीजिए और माता नानी माने या ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है आप ध्यान योग कोर्स कर सकते हैं यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपके घर में भी किसी व्यक्ति ने ध्यान योग कोर्स किया हो तभी आप कर सकते हैं ठीक है, है? भविष्य में हम एक ऐसा कोर्स लाएंगे जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए भी होगा ये कोर्स आएगा इस वर्ष तो अब ये साल खत्म ही हो रहा है तो नि, निश्चय ही 2023 में ये कोर्स लॉन्च होगा कि जो 18 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के जो बालक हैं बच्चे हैं उनके लिए हम कोर्स ले आएंगे और वह कोर्स भी आएगा ठीक है तो आपकी उम्र अभी छोटी है निशांत जी चौदह वर्ष है आप कोर्स तब कर सकते हैं जब आपके घर से आपके माता या पिता में से भी कोई कोर्स करे या आपका कोई गार्जियन हो आपकी नानी हो चाहे कोई हो अगर वो कोर्स करेंगी फिर आप कोर्स कर पाएंगे नहीं तो चार साल प्रतीक्षा कीजिए और सबसे बेहतर है आप प्रतीक्षा कीजिए कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक एक ऐसा कोर्स हम लॉन्च करेंगे जो कि होगा ऐसे बच्चों के लिए होगा देवता पहली बात तो आपने देवताओं को अपनी जगह पर रख दिया कि जैसे इंसान मुक्त नहीं है वैसे देवता भी मुक्त नहीं देवताओं का मानवीकरण किया जाता है लेकिन वो हम मनुष्य की भांति आम जीवों की भांति नहीं होते समझ गए तो आप देवताओं को और मनुष्य को एक साथ मत उनका उनका बंधन में होना उनकी मुक्ति में होना इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है ठीक है देवताओं का अपना प्रकृति के अंदर उनका कर्म निर्धारित है हाँ जीव संबंध है उनके साथ तो उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए जैसे कि माता पिता भी देवता है तो माता पिता के साथ जीव संबंध है माता पिता के साथ जीव संबंध है तो जीव की मुक्ति होगी मुक्ति किसकी होगी जीव की होगी कि देवता की होगी ये बताइए तो देवताओं के कई डिफिनिशन हैं कई डिफिनिशन नहीं है डिफिनिशन तो एक ही है कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन उस पर कई देवता टिकते हैं कई उस पर हम बनते हैं कि भाई हां ये भी देवता हो सकते हैं तो इसीलिए जिस घर में हम रहते हैं गृह देव भी माना गया है कुल देव भी माना गया है ग्राम देव भी माना गया है यह वैदिक मान्यता में आते हैं ऐसी बात नहीं वन देव भी माना गया है समझ रहे हैं बात को तो देवी देवता भी मुक्त नहीं है ये जो सेंटेंस है ये ये कह रहा है कि आप देवी देवताओं को जस्ट लाइक like ए ह्यूमन कोई डिवाइन एंटिटी समझ रहे हैं जैसे कि एंजल ये एंजल वाली बात हो जाती है मिस्टर ए एस आर देवी देवता एंजल नहीं है ये ध्यान रखिएगा देवी देवता एंजल नहीं है तो जिन देवताओं के साथ जीव संबंध है उनको हम कहेंगे मुक्त होना चाहिए लेकिन जिनके साथ जीव संबंध नहीं है उनका मुक्त होना और ना होने का मतलब ही नहीं कोई वो तो प्रकृति की शक्तियों के रूप में विद्यमान है वह तो प्रकृति की शक्ति के रूप में विद्यमान है तो उनको मुक्ति क्यों चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए कोई बहुत बड़ा इसका अर्थ नहीं निकलता है ठीक है इस विषय को समझिए तो देवताओं को एंजल मानना बंद कीजिए कि देवता जैसे कि कोई आम, कोई ऐसी आदमी ऐसे मनुष्य जो कि दिव्य शक्ति संपन्न हो और किसी स्वर्ग में रहते हो और किसी को वो कर दे तो ऐसा हो जाए किसी को वो नहीं कर्म से ऊपर जाकर इसीलिए तो कहा गया ना कि पुराणों के अध्ययन में और प्रवचन सुनने में और मूल शास्त्र के अध्ययन में डिफरेंस क्या है मूल शास्त्र के अध्ययन में अंतर यही है मीमांसा शास्त्र इसका समाधान देती है कि भैया कर्म आपका हमेशा ऊपर रहेगा कर्म आपका हमेशा ऊपर रहेगा ठीक तो जो देवी देवता हैं वो इस प्रकृति के एक शक्तियों के रूप में हमारे साथ कर्म कर रहे हैं उनमें अगर जीव संबंध है तो उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए और मुक्ति इसीलिए तो कहा गया कि गायंती देवा किल गीत का अनिधन्य अस्तुते भारत भूमि भागे कि देवता भी गुणगान करते हैं जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं क्योंकि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को आत्मज्ञान का मार्ग मिलता है योग का मार्ग मिलता है ठीक इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ देवताओं को भी दुर्लभ है सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई ना जही पर लोग सवारा तो देवताओं को भी मनुष्य जीवन प्राप्त करना पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको भी मनुष्य जीवन में आना पड़ता है यह मानव जीवन की महानता है देवता मुक्त नहीं होते ये बात सही है वो तो प्रकृति के अंग है प्रकृति के बंधन में ही है उससे अलग कैसे हैं तो इसलिए हमें इस विषय को समझना चाहिए तो आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं निशांत जी सर अगर मैं चार साल बाद नहीं आया नहीं आया कोर्स तो रहेगा किसी ना किसी रूप में ऐसी बात नहीं है कोर्स तो चल रहा है कोर्स चलेगा चित्रंजन बरुआ काम में भक्ति इज ए पूजा एंड निष्काम भक्ति इज योगा प्लीज नो no. आप पूजा पाठ में भी हाँ उसे हम निष्काम कर्म योग बोल सकते हैं निष्काम कर्म योग कह सकते हैं जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं निष्काम भावना से कर रहे हैं मतलब आप कोई डिमांड पूजा कर रहे हैं भाई लक्ष्मी पूजा है तो आप लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं माता से प्रेर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ मांग नहीं रहे हैं मांग नहीं रहे हैं आप तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन आप उसकी उस भाव की वृद्धि तो कर ही रहे हैं मांग नहीं रहे हैं तो आपका निष्काम इसको हम कह सकते हैं कि भाई कोई इसकी कामना नहीं है बस शुद्धिकरण के लिए और अच्छे के लिए वास्तव में देखिए जहां शुद्धि होगा वहां देवता अपने आप पहुंच जाते हैं वहां अपने आप सारी चीजें आकर्षित होती हैं ठीक है तो ये हमें समझना चाहिए तो, तो निष्काम भक्ति कर्म योग में आएगा वो अब योग में अलग अलग राजयोग वगैरह आ गया तो क्योंकि कहीं कहीं पर कोई भावना की वृद्धि योग का अर्थ है भाव अतीत चले जाओ तो ना कोई वहां देवता रह सकता है ना कोई वहां भावना रह सकती उस उद्देश्य से किया जाता है कुल देवता की पूजा करिए किसने मना किया करिए लेकिन देवता अपनी जगह पर है वो उसी उद्देश्य के लिए है बस वो आपके मोक्ष का साधन नहीं है मुक्ति के लिए नहीं है क्या काम जॉब सर्विस छोड़कर ध्यान करना चाहिए ये सही है ऐसा करने कौन आपको कह रहा है करने के लिए क्या सुना आपने आज तक जितने भी वीडियोस बने हैं इस चैनल पर उसमें कहीं पर भी ऐसी कोई बात कही गई हो तो बताइए अपना काम करो अपना जॉब करिए बिल्कुल करिए और फिर ध्यान उल्टा जॉब अच्छे से कर पाइए अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला पाइए ध्यान योग आपको सहायता करेगा अगर आप ध्यान योग करते हैं तो आपकी फैमिली लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छे ढंग से चले इसमें सहयोगी में मिले, सहयोग मिलेगा आपको अच्छा जीवन जीने के लिए ध्यान योग करना है साथ में मुक्ति के लिए भी करना है सब छोड़ छाड़ के करने के लिए कौन कह रहा है तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नौ बजे बहुत बहुत आभार आप सभी का चौबीस तारीख से श्रीमद भगवत गीता पर हम व्याख्यान शुरू करेंगे लाभ उठाने के लिए जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें लोगों तक गीता भगवत गीता पे चर्चा शुरू हो रहा है